लर्निंग टू लूप ओके। और ये डबल स्लैश का काम क्या होता है, ये जो डबल स्लैश होता है ये हम लोग कमेंट, इसको कमेंटिंग बोलते हैं। कमेंटिंग क्या हेल्प करता है, एक सिग्निफिकेंट मैसेज यूजर को पहुंचाने में हेल्प करता है। और ये जो जैसे हम लोग डबल स्लैश करके कुछ लिखे है ये कंपाइलर को इनविजिबल होता है, समझे ना। सो ये सब तो बाद में सीखेंगे, पहले देखते हैं क्लास क्लास लूप स्टैटिक वर्ड मेन। ओके ठीक है, सबसे पहले फॉर लूप बनाते हैं। तो फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 50 ज्यादा हो जाएगा, 20 कर देते हैं, i प्लस प्लस ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln on ठीक है, ये डॉन छोड़िए हेलो ही कर देते हैं, हेलो ज्यादा से इसको रन कर लेते हैं। सो ये हेलो डॉन 20 बार आ गया। ओके सो ये तो इजी था। अब एक बार एक काम करते हैं, इसी प्रोग्राम को वाइल लूप में लिखते हैं। सो वाइल लूप में क्या होगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कर देंगे तो int i इक्वल टू 1, फिर अगला लाइन में कंडीशन लिखते हैं, सो वाइल i लेस देन इक्वल टू 20 ठीक है, और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln हेलो डॉन ठीक है, हेलो डॉन। सो देखते क्या आता है, इसको भी क्लोज कर दिया, सेमी कोलन डाल दिए, इसको भी कंपाइल किए। और यहाँ पे अपडेशन डाल दिया हमने, एक ब्रेसेस हम लोग कम डाल देते हैं ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज किए, यहाँ पे हम लोग जो हेलो डॉन 20 बार प्रिंट करना कर दिए, 20 की जगह 10 कर देते, 20 तो अभी चाहिए, और i++ अपडेशन कर दिए। सो कंपाइल करते देखते क्या होता है, और void main। सो हेलो डॉन 20 बार 10 बार आ गया। सो इजी था। सो थोड़ा और वो करते हैं हम लोग, अब हम लोग अपना मन से क्यों बार बार देंगे, हम लोग चाहते हैं यूजर जितना टाइम प्रिंट कराना चाहता है उतना बार प्रिंट हो। सो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे int n, और i less than equal to क्या कर देंगे, n कर देंगे। अब यूजर n 20 दे, 50 दे, 30 दे, यूजर को पर डिपेंड करता है। सो कंपाइल किए और इसको रन किए, तो n यूजर n मान रहा है, तो n के जगह हम लोग 25 कर दे रहे हैं। सो 25 बार हेलो प्रिंट हो गया। सो इजी था ठीक है। Thank you.